मुझे उम्मीद के आपके जवाब स्टेशन में चार बजे छह के बजाय सर्कल होगा सर हम आकाशवाणी से छतरपुर के मुझे कैसे थे तो दुर्गेश सत्यनाथ का लिखा और वो अरुण बजे पर उपस्थित नाटक भटकने से पहले नाटक भटकने से पहले पता तुम्हारे लाड़ने को पसंद आती भी है या नहीं जब एक एक सुंदर लड़कियाँ उसे पसंद नहीं आई तो इसका क्या भरोसा पसंद आए या ना आए पसंद आए या ना आए लेकिन मैं कह देती हूँ ये रिश्ता मैं हाथ से न जाने दूंगी बाहर जैसा तो सोच रहा है और क्या कुछ अच्छा आएगी उसके लिए उतर कर आत्मा से मैं तो सोच रहा हूँ ये तो तुम्हारे छोटा ही परिणाम है कितना कहा था कॉलेज में लेकिन मेरे पूरे सब ना तुम्हारी तरह अनपढ़ रखता हाँ अनपढ़ रखता कैसे क्या होते थे पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करेगा अब देख लिया ना कैसा नाम रोशन कर रहा है ऐसी सुंदर लड़कियों से रिश्ते आई थी पचास पचास हजार तो मत भी दे रहे थे दहेज में लेकिन साफ जादू से कोई लड़की पसंद भी नहीं आई और अब तुम भी काम खोल कर सुन लो मैं ये रिश्ता करके ही दम लूंगी अरे भाई तू कान से भाड़े डाल रही हो मैं कोई गहरा तो नहीं हूँ हाँ हाँ और मेरे शरीर में तुम्हारे कान खोलने लगे पहले तो सब रहते थे मेरी राधा रानी तुम्हारी आवाज क्या है पलंग की सूट है पलंग की सूट और अब आज तेरे तो कान फाड़े डाल रही है ठीक हो जाए अरे भगवान मानता हूँ मैं पहले भी गलत था और आज भी गलत थी आखिर यही करेगी या यही अपनी आंखों को खराब करती रहेगी तुम्हें क्या मेरी आंखों से मैं तुम्हारी लगती हूँ क्या हूँ अरे राधा रानी कैसी बातें करती हो मन को शांति दो शांति आने दो दीपक को आज मैं उससे हाँ करवाते ही दम लूंगा समझते क्या है अपने आप को यदि मैंने उससे हाँ नहीं करवा ली तो मेरा नाम भी पूर्णनाथ नहीं लगता है वो आ गया दीपक अरे रे दीपक जरा उधर आओ कहिए कहाँ जा रहे थे आज दुकान बंद थी इसलिए पूछा कुछ देर आगे अच्छा अच्छा हो आना लेकिन पहले जरा उधर बैठे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है ये ग्वालियर से तुम्हारे मामा रामनाथ का पत्र आया है लो पहले लेकिन पिताजी मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता लेकिन क्यों देखो बेटे घर आई लक्ष्मी को यह बारम्बार ठुकराना अच्छा नहीं होता पहले जब तुम लड़की नापसंद कर देते थे तो मैं समझता था शायद तुम अभी पढ़ रहे थे इसलिए शादी नहीं करना चाहते लेकिन अब तो तुमने दुकान भी संभाल ली है अब क्या बात है पिताजी दर्शन में हाँ हाँ क्या बात है देखो बेटो तुम समझदार हो तुम्हें समझना चाहिए हाँ यदि तुम ये लड़की देखना चाहो तो मामा जी को हम अगर लड़की देख सकते हो ठीक है मैं आपको सोच के जवाब दूंगा
अच्छा कॉलेज में पढ़ाया है ना बेटे को, अब तो वो शायद समझकर ही जवाब देगा आपको। ठीक है सोच कर जवाब दे देना, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मुझे विजय से लग रहे हो आज तुम, तुम्हारी वो चंचलता वो पक्कड़पन वो सुखी सब एकाएक कहाँ गायब हो गया? जब जिंदगी यथार्थ से घंटे से कटवाती है तो वक्त के साथ साथ सब कुछ होता है। आज एक ऐसी फिलोसफर जैसी बात कर रहे हैं जिसे तुम कुछ नहीं सोचते थे। आखिर हुआ क्या घर में? मेरी शादी के लिए मुझे बेहद चाहिए तो इसलिए इतना उदास होने की क्या बात है? कर क्यों नहीं लेते सर? क्या आजीवन तुम्हारा रहने का संकल्प ले लिया है? फिर क्या बात? दरअसल आज मेरे को मैं नीतीश को भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आज मुझसे कुछ दूर चली गई है लेकिन लेकिन मेरे दिल में आज उसके लिए इतना ही प्यार है जितना पहले था। जब भी मेरी शादी की बात करती है तो मैं कहां क्या जाती हूँ? तो जवाब नहीं देते बनता मुझसे तो नहीं बताओ मैं क्या करूँ? मेरी कुछ खुद नहीं आता। सर प्यार में अक्सर ऐसा नहीं होता, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन याद रखो कल्पना का धरातल जितना सुरम्य और कोमल होता है सत्य का धरातल उतना ही कठोर और पुरुष है। नतीजे कल्पना थी जो तुम्हारे काल्पनिक संसार के दिल में प्रवेश कर गई और शादी शादी एक सत्य है। लेकिन राजेश सबका जन्म की तो कल्पना की धरातल पर होता है। आज भी जब किसी सत्य पाना चाहता है तो उसे कल्पना के संसार से होकर गुजरना पड़ता है ना। लेकिन दीपक कुछ सत्य कल्पना से ऊपर उठकर होते हैं, जैसे कि शादी। शादी भी उन्हीं सत्य में तो प्यार क्या है? प्यार एक ऐसा मीठा एहसास है जो मनुष्य को काल्पनिक संसार में विचरण कराता रहता है, उसे सुंदर स्वप्न दिखाता रहता है। ये वो धुआं है जो जमीन से उठकर आकाश के मन पर अपना एक स्थान बना लेता है और तैरता रहता है। जबकि शादी एक सत्य है। लेकिन यदि तुम शादी की तुलना पैसे हुए बातियों से करते हो तो रोज तो पानी होता है। तुम सही कहते हो लेकिन उस पानी का भला क्या है? मैं तो बस इतना जानता हूँ मैंने कुछ भूला नहीं पा रहा हूँ। जो कुछ तुम्हें भुला देना चाहिए दीपक नतीश को तुम अपराध से जानते हो। याद रखो दीपक हम उस समाज में रहते हैं जहाँ प्यार से ज्यादा इज्जत तुम्हें कर दिया जाता है और फिर नतीश को तुम इस तरफ प्यार करते रहते हो। तुमने कभी उससे बात तक सकी नहीं, फिर भी तुम उससे पीछे अपना जीवन बर्बाद करने पर चले हो। मुझे क्या करूँ? तुम भी लड़की देखने जाते हैं पसंद नहीं आती। पता नहीं कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। शादी के वक्त प्रायः अधिकांश लोग युवतियों के साथ ऐसा होता है। युवती को ये बात करने की स्वतंत्रता होने के कारण वो ये बात कह सकते हैं। इसके विपरीत युवतियों के कुछ कह न सकने के कारण वो सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। जब आदमी जवानी के बहुत से कदम रखता है तो खुद में कुछ अजीब से अजीब महसूस करने लगता है। मन उनको सुंदर कभी सुंदर लगता है। ये चाहता है कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहे और ऐसे समय उसे तलाश होती है इस बात की जिससे वो अपने मन की बात कर सके। यही वो समय होता है जहां अक्सर युवक मुख में भटक जाया करते हैं। ऐसे समय जिसे भी वो महसूस पाता है अपने समझने को भूल कर बैठता है। यही होती है प्यार की प्रथम अनुभूति। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के एक लंबे अंतराल तक भूला नहीं पाता। हाँ ऐसे ही समय का तुम्हारे जीवन में लतेश और वो तुम्हारे मस्तिष्क में घर कर गए। वही आज तुम्हारी परेशानी का कारण बनी हुई। आज तुम जहां भी लड़की देखने जाते हो उसमें लतेश की छवि को तलाशते हो क्योंकि वो छवि तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित होकर रह गई। यही कारण है कि तुम्हें तो लड़की पसंद नहीं आती। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है शायद तुम्हें सौ सौ का गुजरे हो। हाँ दीपक
बारे में? मेरी पहली प्रेमिका थी। तुम भले ही मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन शायद तुम्हें याद हो कि मैं बहुत ही सीधा, पत्नी में मगन रहने वाला लड़का माना जाता था। हाँ हाँ याद है, सब तुम्हें दार्शनिक कहा करते थे। तुम्हें उन दिनों कहानियां लिखने का भी तो शौक था। तुम्हारी कहानी उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। हाँ दीपक, इन्हीं कहानियों का परिणाम सीखा मेरी कहानियों की प्रशंसा। धीरे धीरे हम दोनों में पत्राचार शुरू हो गया। मेरे पास अक्सर नीलेश के पते पर जाते थे। कहीं वो तुम्हारा लंगोटिया यार तो नहीं? हाँ वही नीलेश, मेरा लंगोटिया यार, मेरा राजदार। अब वो जहां नहीं, पिछले वर्षों से नीलेश बहुत भावुक युवक था। उसकी यही भावुकता उसे मेरे निकट लाई और यही भावुकता उसे छू गई। लेकिन कैसे? नीलेश बीएससी करने के बाद नौकरी की तलाश में भटक रहा था। तुम तो बीएससी करके अपने घर चले गए और दुकान संभाल लिया। मेरी भी नौकरी सचिव की लग गई, लेकिन वो बेचारा बच कसर निकला। तब घर में अपने पिताजी के बहन से उसे और तल कर दिया। घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। घर में जवान बहन, दो छोटे भाई और माँ थी। तब एक दिन वो मेरे पास आया, बोला राजेश मेरी नौकरी लग गई थी एक दवा की दुकान पर। मैंने उसे बधाई दी, लेकिन वो खुशी उसके तस्वीर में शायद कुछ बहुत नहीं पड़ी थी। फिर क्या हुआ? एक दिन इस दुकान पर छापा पड़ा। काफी मात्रा में लिखी दवाई पकड़ गई। मैंने उसे उसे भी हिरासत में ले लिया, लेकिन वो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। और जमानत पर रहना होकर लौटते समय स्वयं को रेल की पटरी पर रखा। राजेश आदमी कभी कभी ढूंढ जाता है। मैं नहीं जानता था। फिर उसके परिवार से कौन है? उसका परिवार, उसके परिवार में आज उसकी माँ, पांच छोटे भाई के बच्चे और वो भी जाते तक पति नहीं जाते रहे थे। माँ और छोटे भाई, लेकिन तुम तो कह रहे थे उसकी एक बहन जैसी थी। दीपक उसकी एक बहन थी मैडम। वो कहाँ है? वो भी समय के क्रूर काल चक्र का शिकार हुई। काल चक्र का शिकार? हाँ दीपक, पता नहीं उस समय किसी किसी के साथ उसने भयानक खेल क्यों खेलता है। मैडम उसके स्वयं का बदला लेता है किसी ने। मैडम भी ऐसे ही भयानक खेल का शिकार हुई। कैसा भयानक खेल? निर्देश के मरने के बाद जब परिवार का खर्च चलना मुश्किल हो गया तो वो नौकरी की तलाश में भटक गई। जैसे तैसे एक प्राइवेट फॉर्म में नौकरी लग गई, लेकिन फॉर्म बेचारे क्या जानती थी कि आज उस पढ़ने में नौकरी पाने के लिए कुछ पता होने नहीं पाता। तो फिर उसके साथ? हाँ दीपक, उस फॉर्म के मैनेजर ने उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, लेकिन उसे अपनी इज्जत क्या थी। जब उसे बचने का कोई चारा नजर नहीं आया, उसने मैंने से सुन के घर से खुद कहा था। जिंदत मेरी पहली प्रेमिका थी। हाँ दीपक,
श्वेता मेरी पहली प्रेमिका थी। उसके बाद एक लड़की से मेरे संबंध और बढ़े। कहीं वो दूसरी बड़ी दिक्कत नहीं है? हाँ वही दिखा। लेकिन यार वो तो कुछ चीज को अपने पैर फटकने नहीं देती, सिर्फ मैं कभी कैसे लिख देगी कभी आठ अभी तक। एक बार कॉलेज के वार्षिक फंक्शन में मेरा एक नाटक मंच पर चला गया था, कचरा कचरा जिंदगी। हाँ हाँ याद है, क्या समझे मुझा प्रयोग था यार। अरे हाँ इस नाटक की मुख्य पात्र जितनी तो थी शायद। हाँ हाँ दीपक, और उस नाटक से वो इतनी प्रभावित हुई कि मेरी मृत्यु काटी चला। लेकिन आज तुमने कहा है आज वो मुझे सोच की पत्नी है। हाँ मैंने कहा था ना दीपक, वहां से उत्तर बैठना है जो आकाश के जमन पर बातें भी करता जो लगता है। और गीता का क्या हुआ? गीता की शादी भी एक ध्यान के परिवार में कर दी गई क्योंकि वो एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती थी। दीपक ये भावना की संबंध मनुष्य की जिंदगी में भूचाल बनकर आकर होगी। उसके बाद मैं सभी मानसिक परिस्थितियों से होकर गुजरा जिनको आज तुम गुजर रही हो। मैं जहां भी लड़की देखने जाता लड़की मुझे पसंद रहा था क्योंकि मेरे मस्तिष्क में गीता और गीता की छवि निश्चित थी। मैं काफी परेशान रहने लगा, मेरे कारण सारा घर परेशान था। लोग बाग मेरे बारे में तरह तरह से अफवाह फैलाने लगे। कभी कभी एक रात सपने में मुझे लगा कि मेरी अंतरात्मा मुझे समझा रही। हाँ दीपक, उसने मुझसे कहा राजू तुम किस अंधकार में भटक रहे हो? ये शरीर ये रंग रूप सब निश्वर है। ये शरीर क्या है? एक नाटी का पुतला मात्र। ये रंग रूप क्या है? जवानी का वो नशा जो समय के साथ हर जाना है। फिर भी तुम भटक रहे हो। ये चीज को तलाशते हो, इस चीज को तलाशते हो किसी लड़की ने तुम्हें रंग रूप को नहीं डाले। तुम्हें देखना है तो इसके गुण अवगुण देखो, उसका व्यवहार कार्य कुशलता देखो। याद रखो कल्पना और वसात में जमीन आसमान का अंतर हो रहा है। तीन रात की तरह ये कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। और दीपक तभी मुझे ज्ञान हुआ कि वास्तव में जैसे भटक रहा था। और मैंने खुद निश्चय करके घर वालों को उनकी इच्छा अनुसार लड़की पसंद कर शादी करने के लिए कह दिया। घर वाले मेरे सुनने से एक बार भी तो अबाक रह गए। और तुमने घर वालों की इच्छा अनुसार शादी कर ली? हाँ, और आज मैं स्वयं को काफी सुखी महसूस करता हूँ। शादी के बाद मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माता पिता की पसंद से की गई शादी शत प्रतिशत सफल रही। और मैं ये भी मानने लगा हूं कि सच्चा प्यार तो शादी के बाद ही जन्मता है। शादी के पूर्व का प्यार तो मात्र मन को बहलाने का साधन है, एक छलाना होता है। हाँ दोस्त तुम कहीं कैसे हो, वास्तव में शादी के पहले का प्यार एक छलावा मन बहलाने का साधन मात्र नहीं है। अच्छा राजू अब चलता हूँ, काफी देर हो गई है। अच्छा दीपक बस कर देखो जी क्या तो सारी की सारी सुन रही हो गई। अरे ये किसका पत्र आया है जो तुम इतना मगन होकर पढ़ रहे हो? रमा ये पत्र एक ऐसे इंसान का है जिसने मेरी जिंदगी को सही रास्ता दिखाया, मुझे सही भाग दर्शन दिए। मैं कुछ समझी हूँ। ये पत्र मेरे मित्र राजेश का है। कौन राजेश? राजेश मेरे कॉलेज के दिन का सहपाठी है। शादी से पहले मुझे एक अजीब सा भटकाव पैदा हो गया था। यदि राजेश मुझे सही समय पर रास्ता न दिखाता तो संभव आज मैं न जाने कहाँ भटक रहा होता। अरे मैं तो भूल गया, आज वो आने वाला है। क्या कहा?
राजीव से आज ही आने वाले हैं। हाँ राणा, आज आने वाला है। सुनो, तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर डालो। ये आपने कमरे से नहीं बताया जी? अजी बताता कहाँ से, उसका पत्र तो अभी भी डाक से प्राप्त हुआ, शायद डाक में लेट हो गया। लेकिन आजकल ये है कहाँ? अरे शिवपुरी में बैंक मैनेजर है। शिवपुरी? मैंने सुना है शिवपुरी में काफी बैंक है। हाँ तुमने पूछी सुना है, लगता है वो आ गया है। मैं चुनाव खोलता हूँ, तब तक तुम चाय पे जाकर लेना। अच्छा जी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? हाँ भाई, अभी शाम की डाक से तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ था। अरे खड़ी क्यों बैठो ना, बैठूंगा जरूर बैठूंगा, लेकिन ये तो बताओ माँ बाप के अलग इस घर में रहने की कोई खास वजह? अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले बैठो तो। मैं ये देख रहा था कि ये तुम्हारा ही कमरा है ना, पहले तो मैंने इतना सजा संवरा तुम्हारा कमरा कभी नहीं देखा। हाँ राजेश, ये सब तुम्हारे ही मार्गदर्शन का प्रतिफल। मेरे मार्गदर्शन का प्रतिफल? हाँ दोस्त, यदि तुम मुझे सही मार्गदर्शन नहीं देते तो मैं ना जाने कहाँ भटकता है। नहीं भटक, इसमें मेरा क्या, मैं तो सिर्फ एक मित्र का फर्ज अदा करना चाहता था, जो मैंने किया। काश ऐसे मित्र मेरे जैसे भटकते, सब युक्तियों को नसीब होते। आओ रमा, राजेश यही तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, अभी अभी हम लोग आपकी ही चर्चा कर रहे थे। मेरी चर्चा? हाँ राजेश, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और जैसे ही किनारों की खटखटाहट सुनी, तुमने रमा भाभी को चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया। लीजिए भाई साहब, ये चाय लीजिए। राजेश तुम जब से ट्रांसफर होकर गए हो, लगता है मैं जेल ही गए। नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल वहाँ काम इतना ज्यादा है, इसमें तो नहीं। अच्छा भाई साहब, आप लोग जब तक बातें करिए, जब तक मैं गरम गरम नाश्ता आप लोगों के लिए बना कर लाती हूँ। हाँ भाभी जी, जरा जल्दी बनाइएगा। हाँ हाँ, बस अभी फटाफट तैयार करके लाती हूँ। और सुनाओ दीपक, कैसे क्या गुजर रही? अपनी तो ठीक से है, तुम अपनी भी तो कुछ सुनाओ यार। भाभी जी कहते हैं तुम्हारी भाभी आजकल इंदौर गई है अपने मायके। फिर तो मस्ती की चल रही होगी। हाँ यार, मैं तो मस्ती हूँ। दीपक एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? तुम्हें घर का मकान छोड़कर किराए के मकान में रहने की क्या सीख? क्या बात कहीं रमा भाभी? नहीं राजेश, इसके बारे में ऐसा सोचना ही बेकार है। फिर राजेश सब वक्त का खेल है, शायद समय तो यही मंजूर था। समय का खेल? हाँ राजेश, तुम्हें तो ज्ञाती है कि मैंने माता पिता की इच्छा अनुसार उनके पसंद की लड़की से शादी कर ली। रमा के रूप में मुझे सुखी और कामकाज में दक्ष पत्नी मिली, साथ से कुछ महीने से कुछ पूर्वक जीते। रमा से मैं पूरी तरह खुश था, मुझे कुछ कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन लेकिन माँ से हो सको उसकी रोटी से, माँ को उसकी रोटी से सुखी, क्योंकि वो दहेज कम लेकर आई थी। दहेज कम लेकर आई? हाँ राजेश, यही कारण था कि वे बात बात पर उसे प्रताड़ित किया करती। मैं सब कुछ देखता रहता और रमा को समझाता रहता, और वो भी सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं कहती थी, सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। क्या तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं चाहते थे? नहीं राजेश, तुम तो जानते ही हो, जो माँ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जानते हो क्योंकि मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, और जिस मकान में हम रहते थे मेरी माँ के पिता यानी मेरे नाना जी ने उन्हें दहेज में दिया था। लेकिन राजेश एक दिन पानी फिर से गुजर गया, बाप जब केवल कहीं सुने तक ही सुने, तब तक तुम्हें बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन माँ ने रमा पर हाथ उठा दिया। क्या? हाँ राजेश, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगा। मैं दूसरे ही दिन सुबह रमा को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चला गया। तो क्या तुम्हारे माता पिता ने कहीं रोका नहीं? नहीं राजेश, किसी ने मुझे नहीं रोका, किसी ने नहीं। उस दिन ही मेरी समझ में आया उसको क्यों फंसते हैं, बहुएं क्यों आत्महत्या करती हैं। हाँ दीपक, तुम सही कहते हो, ऐसी स्थिति में जहां पति का पक्ष कमजोर होता है,
वहां प्राय ऐसी घटनाएं घटित होती ही रहती। पता नहीं ये दहेज का कोर्ट कब तक समाज को अपनी दांडी पंजे में जकड़ रहेगा। उसके बाद घर से निकलकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी तो नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त था रवाना ही मुझे हिम्मत बन गई। उसने पानी की सीढ़ी और पानी की बाली उतार कर मेरे सामने लग गई। सच सोचा मैं उसका देश एक दिन को मैं कभी नहीं बुला सकता। और देखी रहे थे जो दुकान मैंने खोली और ईश्वर की कृपा से आज फल खुल रहे हैं। वास्तव में दीपक तुम बहुत भाग्यशाली हो जो रमा के रूप में तुम्हें इतनी समझदार बची। लेकिन राजेश मैं फिर भी कहूंगा आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से है। वरना मैं किसी निराश प्रेमी की तरह मैं जहां कप का टूट कर बिखर गया हूं। नहीं दीपक ये तो सब संयोग है। माध्यम कोई भी बन रहता है जो कुछ भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। हालांकि इतना जरूर है कि हमारी पीढ़ी उसके पास सोच नहीं मार्गदर्शन नहीं दोनों बातें अगर मिल जाए तो फिर कोई भटकेगा नहीं। तुम सूची कहते हो लो भाई राजेश तुम्हारा नाश्ता आ गया। लगता है किसी गंभीर रूप से तो चर्चा हो रही थी। हाँ भाभी जी आपने सही पहचाना आपके बारे में ही चर्चा हो रही थी। मेरे बारे में? हाँ भाभी जी मुझे खुशी है कि दीपक को आप जैसी समझदार पत्नी है। आप तो मजाक करने लगे भाई साहब। नहीं भाभी जी ये मजाक नहीं हकीकत है। मुझे दीपक ने सब कुछ बता दिया है। इनका क्या ये सब कुछ भी कहते रहते हैं आप इनकी बातों में मत आइएगा। लो भाई मैं तो कुछ भी कहता रहता हूँ। सुना तुमने तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? हाँ भाई सुना। भाभी जी एक बात बताऊं? क्या यदि आपकी जगह मेरी पत्नी होती और वो मेरी इस प्रकार तौहीन करती तो जानती हैं मैं क्या करता? या क्या करते जरा सुनाइए तो। मैं चुप रहता। अरे सबका बड़ा तीन बात मटकने से पहले तो दुर्गेश गुप्तराज का लिखा नाटक अभी आपको था। कलाकारों का पात्र थे प्रचय सका जी दीपक रामचंद्र सिंह राजेश सुनील कृष्ण देवर राधा सुषमा देवराज जी श्रीनाथ आनंद वर्मा और रमा रेखा खर प्रस्तुति करने साहित्य थे सुनील कृष्ण देवर और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता से श्री अरुण दुबे। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। चित्रपति धन्यवाद।